8 नवंबर 2016 तो याद है ना, अब उसी तारीख के साथ 19 मई 2023 की तारीख को भी याद रखा जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने भारत में प्रचलित सबसे बड़ी करेंसी 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान कर दिया है और इसी के साथ अब हर जगह इसी बात की चर्चा है। और हो भी क्यों ना, भारत में भले ही डिजिटल युग की शुरुआत हो गई हो, लेकिन भारत में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो आज भी कैश रखने पर ज्यादा भरोसा करते हैं। फिजिकल कैश हाथ में हो तो लोगों के मन में संतुष्टि होती है। खैर, RBI के इस फैसले के बाद विपक्षी नेता और पार्टियां इस नोटबंदी पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन भारत ही नहीं, ऐसे कई देश हैं जो इस तरह की नोटबंदी कर चुके हैं। तो आज एक नजर उन देशों पर डालते हैं और जानते हैं कि उन देशों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ा था। हाय, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं ABP लाइव। पहला देश है नाइजीरिया। साल 1984 में मोहम्मद बुहारी के शासन में नाइजीरिया में पुराने नोटों को अर्थव्यवस्था से बाहर कर दिया गया था। उनके स्थान पर नए नोट जारी कर दिए गए थे। ऋणग्रस्तता यानी इंडेटनेस और मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन की मार झेल रहा यह देश इस बदलाव को झेल नहीं पाया था और वहां अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई थी। दूसरा देश घाना। टैक्स चोरी और इजी एक्सेस लिक्विडिटी की समस्या का निराकरण करने के लिए साल 1982 में घाना ने 50 सेंडी के नोट का चलन बंद कर दिया था। सरकार के इस कदम से कालाबाजारी को लोगों द्वारा समर्थन मिला और उन्होंने गलत तरीके से निवेश करना शुरू कर दिया, जिससे अर्थव्यवस्था कमजोर होती ही चली गई। तीसरा देश पाकिस्तान। दिसंबर 2016 में पाकिस्तान ने पुराने नोटों को चरणबद्ध तरीके से कम कर दिया। इसके पीछे तर्क दिया गया कि इससे अर्थव्यवस्था में नए डिजाइन के नोट आएंगे। इसके लिए पाकिस्तान में वैध रूप से एक टेंडर भी जारी किया गया, जिसके मुताबिक उसने अपने नागरिकों से पुराने नोटों को नए नोटों में बदलने की अपील भी की थी, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ा था। चौथा देश जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में एक समय में इतने नोट आया करते थे, हाँ 100 ट्रिलियन डॉलर्स नोट। जिम्बाब्वे की अर्थव्यवस्था उस समय धराशायी हो गई जब प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे ने रिडिकुलस वैल्यू के नोट मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए जारी किए थे। नोटबंदी के बाद ट्रिलियन डॉलर्स की वैल्यू 0.5 डॉलर्स हो गई थी, जिसका विवरण ईबे पर देखा जा सकता है। पांचवा देश उत्तर कोरिया। साल 2010 में उत्तरी कोरिया में हुई नोटबंदी से वहां के लोगों के सिर से न सिर्फ आश्रय चला गया बल्कि उनकी थाली से भोजन भी चला गया। किंग जोंग उन सेकंड ने अर्थव्यवस्था के कालाबाजारी रोकने के लिए पुरानी करेंसी में 2 शून्य कम कर दिए थे। इसका भी उनकी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा था। छठवां सोवियत यूनियन। मिखेल गोर्बाचोव ने कालाबाजारी से निपटने के लिए मुद्रा चलन से बड़े रूबल बिल को वापस ले लिया था, लेकिन वहां के नागरिकों ने सरकार के इस फैसले को अस्वीकार कर दिया था, साथ ही वहां के शासन का तख्ता पलट कर दिया था। परिणाम ये हुआ कि उनका शासन चला गया और सोवियत संघ के टुकड़े हो गए। सातवां देश ऑस्ट्रेलिया। जाली नोटों को चलन से बाहर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहला देश है जो पॉलीमर प्लास्टिक के नोटों को चलन में लाया। चूंकि सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य नोट के मटेरियल को बदलना था, तो इसीलिए अर्थव्यवस्था पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं आया। आठवां देश म्यांमार। 1987 में म्यांमार की सेना ने कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए लगभग 80% करेंसी को अमान्य करार दिया था। इस फैसले के कारण आर्थिक व्यवधान पैदा हुए थे। इस कारण आगे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए जिसमें 100 लोग मारे गए। इसका भी म्यांमार की अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा असर पड़ा था। तो ये थे वो देश जहां पर भारत जैसी ही नोटबंदी हुई थी और आपने देखा कि उन देशों पर किस तरह का प्रभाव पड़ा था। खैर, 2000 के नोट तो हो गए अब बंद। इस मामले पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए ABP लाइव।